पत्नी करना चाहती है पोपटलाल जी से शादी और पड़ी है पोपटलाल के पीछे हाथ धोकर। भूतनी ने पोपटलाल को गोकुलधाम सोसाइटी में कर दिया है बुरी तरीके से परेशान और पोपटलाल के सिर से उतार दिया शादी करने का भूत। भूतनी ने पोपटलाल को उड़ा दिया हवा में और नाक पकड़ने की रस्म भी पूरी कर दी। दोस्तों, शादी की रस्में तो आरंभ भी हो चुकी है। पोपटलाल शेरवानी भी पहन चुके हैं, शायद कुछ देर में शादी भी हो जाए। हमारे पास बाराती बनने के सिवाय कोई चारा नहीं। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंसान की शादी किसी भूतनी से होने जा रही है। और आघात की बात यह है कि वह हमारे मित्र पोपटलाल ही है जिनकी भूतनी से शादी होने वाली है। अगर भूतनी की शादी पोपटलाल से हो गई, भाई हो ही जाएगी लगता है, सात फेरे अब तो हो ही जाएंगे, तो भूतनी दुल्हन गोकुलधाम सोसाइटी की सदस्य बन जाएगी। अब क्या होगा? क्या पोपटलाल को अपनी सारी जिंदगी भूतनी के साथ ही बितानी होगी? क्या उनके बच्चे बच्ची भी भूत भूतनी होंगे? क्या यह शादी होगी और क्या होता है? आगे जानने के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, अपना कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।